हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरा फेस बहुत ख़राब हो रखा है, बकवास मत करना कि ख़राब हो गया, ये हो गया। और मैं पहले से थोड़ी सी पतली भी हो चुकी हूँ, उस पर भी कमेंट मत करना जाके। और सभी बोल रहे हैं शट अप। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट अपने लिए पोहा लेने और थोड़ा सा सामान लेने के लिए। वैसे तो आज हम डी मार्ट गए थे, मैं और नवू और ईशु, बट हमें कुछ कुछ खास पसंद नहीं आया तो हम बिना सामान ले वापस आ गए खा पी के। सो, अभी मैं शाम को जा रही हूँ, थोड़ी देर तक हमारी मासी वासी आ जाएगी तो हमने उनके साथ फतेहगढ़ साहिब भी जाना है। वैसे आज हम रेलवे वाली साइड से इसलिए आए हैं क्योंकि सरंद में ना दो ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं एक का हो गया पता नहीं दो का हो गया, बट एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद वहाँ पर बहुत भीड़ है और छिमवाश गुरुद्वारे से लंगर जा रहा है उनके लिए, सवारियों के लिए, तो सभी ट्रेनें यहाँ पर रोक दी हैं, इसलिए हम पुल से जा रहे हैं, वरना हम स्कूटर से जाते हैं आज। वैसे भी मैं पैदल जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ ताकि मैं फिट रहूँ थोड़ी सी। और इसी के साथ हम जाते हैं, खाते पीते हैं बस के और लेके आते हैं। सो गाइस, अभी मैं पार्क में पहुँच चुकी हूँ। राशन लेने से पहले मुझे थोड़ी सी भूख लग गई तो मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। अभी पता नहीं मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। अरे कोई ऐसा ब्लॉग क्यों नहीं जिसमें मैंने खाने की बात ना करी हो। अरे वाय, इसका हड़क उतर रहा है पार्क में, इसको आग लगी हुई खाने की, देखना अभी यार। चल नहीं, मैं यहाँ पे नहीं खाती। मैं बोला है मैं तो मोटी हो रही हूँ, कद्दू यार मैं पतली हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ। गाइस ये मेरा सारा दिन दिमाग खराब, तेरी दी भड़ा हो जाए तेरा। ओ गाइस, मैंने ये पैंट ली है 1000 की बोल रही है, थोड़ी बार्गेनिंग करती हूँ, कम कर देगी। सो गाइस, अभी हमने पैंट ले ली है, अभी मैं जा रही हूँ पोहा लेने और समथिंग समथिंग कुछ और। पिछले कमरे वाले, ओह माय गॉड, निकल। सो उसके बाद हम आए फतेहगढ़ साहिब और हमने मत्था टेका। और फिर वैसे तो मेरे पास क्लिप्स पड़ी थी मेरी खुद की, बट मैंने डाली नहीं, मेरा फेस खराब था इसलिए। कैसे हो? उसके बाद हम गए सरोवर में, फिर हम गए पार्क, हमने खाया लंगर, बहुत टेस्टी टेस्टी। और फिर हम दूसरे गुरुद्वारा साहिब में गए थे जहाँ पे शहबजादों को दूध पिलाते थे मोती जी चोरी चोरी, और हमने वहाँ पे सारा कुछ देखा। उसके सामने ही ना गुरुद्वारे के सामने एक रोज़ा शरीफ था, मतलब दरगाह थी, तो हम वहाँ पे भी गए थे, हमने वहाँ पे भी मत्था टेका। सो गाइस, यहाँ पे ना बहुत अंधेरी चल रही थी। वैसे हम कभी दरगाह गए नहीं हैं, बट पहली बार नहीं, मतलब सभी पहली बार गए थे, मैं दूसरी बार गई थी यहाँ पे, और इतना कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ पे कैसे मत्था टेकना है कैसे नहीं टेकना। यहाँ पे आसपास कहीं थोड़ी सी दुकान थी चिकन की, तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं वीरा और पूजा गए। यहाँ पर लाइट नहीं थी और इतना तूफान चल रहा था, एकदम डेंजरस सीन बन रखा था, कोई पुरानी फिल्मों की शूटिंग का लग रहा था। और फिर हम मतलब ऐसे लाइटें जला जला के हम लोगों को फॉलो करके, तो हमें वहाँ पे जाया, हमने वहाँ पे दरगाह में मत्था टेकी, पर आगे कह रहे थे कि लेडीज़ अलाउ नहीं है, तो हमने पीछे से ही मत्था टेक लिया था, मतलब दूर से ही, क्योंकि अलाउ नहीं था जाना। उसके बाद हम मत्था मुत्था टेक के हम लोग, मतलब बहुत ब्लर आ रहा था रात को सब कुछ, मैं अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाई उस चीज़ों को, और अंधेरा भी बहुत था, मतलब दरगाह तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी पर मैं उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब तूफान चल रहा था और ये लोग डर भी गए थे, मतलब कि अंधेरे करके बिल्कुल। तो उसके बाद हम वापस आ इतने जने गाड़ी में थे। और अब हमारा चौथी स्वरूप गुरुद्वारा साहिब, हमने खंडा साहिब लिया है तो गूगल पे नहीं चल रहा, तो भैया आ रहे हैं देने के लिए। पड़ी है, बाकी जंग बोल रहे।
एक घंटा साहिब लिया, कैसा है गाइस? ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि हम मूवी देखने जाएंगे, बट यू नो व्हाट, हमारे प्लान बदलते रहते हैं। अगर हमारा प्लान बदला तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, बाय।